दुनिया के कुछ सबसे मशहूर बुलेवारों में शामिल है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का अंद्रासी उट। सन 2002 में अंद्रासी उट को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। ये 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता न केवल यूरोप की सबसे खूबसूरत बुलेवारों में एक है, बल्कि हंगरी के कला और संगीत का गढ़ भी है। आइए चले बुडापेस्ट के इस ऐतिहासिक बुलेवार की सैर पर। सोच के परे ये शान जगह बुडापेस्ट के सबसे बड़े बुलेवार के बगल में है। यहाँ फ्रांस लिस्ट प्लाट्स पर हंगरी ने अपने राष्ट्रीय नायकों का स्मारक बनाया है। संगीत के छात्र डोमेनकोस कसबा यहाँ रोज आते हैं। ये बताता है कि वो एक पियानो वादक बनने के लिए ही पैदा हुए थे। बेहद लंबी उंगलियां और बहुत बड़े हाथ। प्लाट्स के बिल्कुल बगल में फ्रांस लिस्ट म्यूजिक एकेडमी है। 900 छात्रों वाली ये अकादमी हंगरी का सबसे बड़ा म्यूजिक स्कूल है। इसे लिस्ट के निधन के बाद बनाया गया। 1907 में इस मशहूर कॉन्सर्ट हॉल के निर्माण का काम पूरा हुआ। ये हंगरी का सबसे अहम संगीत संस्थान है, जिसकी स्थापना खुद फ्रांस लिस्ट ने की और हंगरी के हर पीढ़ी के करीब सभी संगीतकारों ने यहाँ पढ़ाई की। 2002 से अंद्रासी ऊट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये विशाल मार्ग यूरोप के बाकी बुलेवार की तरह मोटर कारों और पैदल चलने वालों को रिझाता है। बुलेवार बुडापेस्ट के एक बड़े प्लाट्स पर खत्म होता है, हिडन प्लाट्स पर। अंद्रासी ऊट ये बुलेवार वाकई भव्य है। सैलानियों को इस समझ ही नहीं आता कि ये दिन में ज्यादा भव्य दिखता है या रात में।